वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास नाइन्थ, फाइलम हेमिकार्डेटा। फाइलम हेमिकार्डेटा पढ़ते हैं। हेमी टू वर्ड से मिलकर बना है। हेमी मीन्स होता है हाफ और कार्डेटा मीन्स होता है एनिमल्स दैट हैव बोन, दैट हैव बोन और बैक बोन और नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वह कार्डेट्स में आता है, यानी बोन्स जिसमें होते हैं। तो हेमिकार्डेटा मीन्स एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो आधे नोटोकार्ड पाया जाता है उनके बॉडी में, हाफ नोटोकार्ड होता है यानी कार्डेट्स होते हैं और हाफ जो है नॉन कार्डेट्स होते हैं। कार्डेट्स मीन्स एनिमल्स हैविंग नोटोकार्ड, नॉन कार्डेट्स मीन्स एनिमल्स हैविंग नो नोटोकार्ड्स। तो आधे इनका, आधा जो बॉडी होता है बोन्स का बना होता है और आधा जो है कि विदाउट बोन होता है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स का है हेमिकार्डेट्स का कि बॉडी सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड होता है, वर्म लाइक होता है एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स हमने कई बार बताया है ये कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर हम एक सिमेट्रिकल लाइन खींचते हैं तो हमें टू इक्वल हाफ्स मिलते हैं। तो इनका बॉडी इसी तरह होता है। दीज एनिमल्स पॉसेसेस कॉम्बिनेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स करेक्टर, मतलब कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें इनवर्टिब्रेट्स के करेक्टर भी होते हैं यानी नॉन कार्डेट्स होते हैं और कार्डेट्स के भी करैक्टर होते हैं। दोनों करैक्टर इसमें मौजूद होते हैं क्योंकि ये हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा का मतलब है कि इसमें कार्डेट्स के करैक्टर भी होंगे और नॉन कार्डेट्स के करैक्टर भी होंगे, वर्टिब्रेट भी होंगे, नॉन वर्टिब्रेट भी होंगे। तो बॉडी सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और ये एनिमल्स इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों को करैक्टर रखते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू प्रोबोशिस, कॉलर एंड ट्रंक। थ्री पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होता है, प्रोबोशिस में, कॉलर में एंड ट्रंक में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बेलेनोग्लॉसस है। बेलेनोग्लॉसस आप लोग देख रहे हैं, इनका ये बॉडी जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो है कि प्रोबोशिस, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये प्रोबोशिस है और ये कॉलर है। कॉलर, ये वाला पार्ट कॉलर है, ये अगला वाला भाग प्रोबोशिस, ये कॉलर और जो ये है ये ट्रंक है। तो ये थ्री पार्ट्स में ये बेलेनोग्लॉसस होता है। इस बेलेनोग्लॉसस के जो प्रोबोशिस होता है इसमें जो है नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये इसमें बोन्स होते हैं, बाकी में बोन्स नहीं होते हैं। तो इनमें दोनों के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, कैरेक्टर थर्ड। दीज एनिमल्स रिजेंबल कार्डेट्स, मींस इनमें जो एनिमल्स होता है ये कार्डेट के कैरेक्टर रखते हैं, रिजेंबल कार्डेट्स एंड ओनली इन हैविंग फेरिंगियल गिल क्लेफ्ट और गिल स्लिट्स। इसमें गिल क्लेफ्ट्स होते हैं यानी गिल स्लिट्स होते हैं जिससे ये ब्रीथिंग करते हैं। एंड दे लेक नोटोकार्ड, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इनका कैरेक्टर जो है कि कॉर्डेट से तो मिलता है लेकिन इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता। दे लेक नोटोकार्ड, नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकार्ड होता है, लेकिन ये कॉर्डेट कैरेक्टर रखते हैं लेकिन नोटोकार्ड नहीं होता है। एंड ट्रू डॉर्सल नोटोकार्ड, नोटोकार्ड भी नहीं होता है और ट्रू डॉर्सल नोटोकार्ड भी नहीं होता है। गिल स्लिट्स फॉर्म द रिस्पिरेटरी सिस्टम, गिल स्लिट्स जो होता है वह रिस्पिरेशन के लिए होता है, यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें गिल स्लिट्स है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, बक्कल डाइवर्टिकुलम, इनमें बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है। बक्कल डाइवर्टिकुलम मीन्स नोटोकार्ड, अर्लियर रिगार्डेड एज नोटोकार्ड, इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस। प्रोबोसिस यानी प्रोबोसिस में बक्कल डाइवर्टिकुलम यानी नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्रोबोसिस है। इस प्रोबोसिस में नोटोकार्ड
प्रेजेंट होता है, यानी बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स 5, नो नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है? नेफ्रीडिया एक नेफ्रांस जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ये, तो इसमें नो नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सिंगल ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, इनमें ग्लोमेरुलस होता है, नेटवर्क ऑफ नेफ्रांस होते हैं, मे हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, यानी नेफ्रीडिया तो नहीं होता है, लेकिन नेफ्रीडिया यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन ग्लोमेरुलस होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये मेराइन होता है मोस्टली, यानी साल्टी वाटर में पाया जाता है, सी ओशियन में, एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये सॉलिटरी भी हो सकता है, सॉलिटरी मीन्स ये अकेले में भी पाया जाता है, और कॉलोनियल कॉलोनी में यानी ग्रुप में भी पाया जाता है, मोस्टली ट्यूबिकलस एंड डिट्राइटस फीडर्स लाइक अर्थवर्म, ये अर्थवर्म जैसा होता है, एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस, इसका एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस है, इस बेलेनोग्लॉसस को अदर नाम से भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एकॉर्न वर्म और टंग वर्म, इसे एकॉर्न वर्म और टंग वर्म कहते हैं। तो ये बेलेनोग्लॉसस यानी हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हेमिकॉर्डेट्स के हैं, हेमी मीन्स हाफ, जिसके बॉडी में हाफ वो कार्डेट का कैरेक्टर रखता है और हाफ नॉन कार्डेट का कैरेक्टर रखता है, उसी को कहते हैं हम हेमिकॉर्डेट्स। ये बेलेनोग्लॉसस का फिगर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।